Hello friends, welcome back to channel and thanks for tuning back to my channel. If you guys watching this vlog, I would like to request you guys before watching this vlog, do check it out the previous vlog of my channel, that is the fifth service of my RR310. एक बार वो व्लॉग देख लो तो उसके बाद ये व्लॉग की कंटिन्यूटी है तो आपको समझने में थोड़ी ज्यादा आसानी हो जाएगी. सो डू चेक इट आउट. सो लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग. सो आई वाज रीडिंग द टाइटल, यू गाइस मस्ट बी अवेयर व्हाट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट. इट इज फॉर द रोल ऑन चेन स्प्रॉकेट किट फॉर माय RR310. यस, फाइनली जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में प्रॉमिस किया था, आई एम गोइंग टू चेंज द चेन स्प्रॉकेट किट ऑफ माय RR310 बाय सेल्फ. तो उसके लिए थोड़े और पार्ट परचेस करने पड़े. जैसे जैसे व्लॉग आगे बढ़ते जाएगा आप लोगों को तो पता चलेगा कौन से पार्ट्स है वो. ये अपनी चेन स्प्रॉकेट किट है. सो दिस इज द सेम चेन विच यूज ऑन RR310 एज अ स्टॉक. यस, ये सेम रोल ऑन की चेन ही यूज करते हैं ऑन RR310 स्टॉक में. सो वही सेम चेन है अपने पास, बट दैट वन कॉस्टेड यू 7000 एंड दिस वन कॉस्टेड मी 3550. दैट्स इट, एग्जैक्टली 50% ऑफ की डील है अपनी. सो इंस्टॉलेशन चार्जेस विल बी 1000 rupees फॉर ए सर्विस सेंटर, बट इंस्टॉलेशन हम खुद करेंगे तो उसके भी चार्जेस बच जाएंगे. ऑल्सो इससे मैं मेरी RR310 के और पास आ जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जैसे जैसे गाड़ी का कोई भी पार्ट ओपन करते जाऊंगा तो आइडिया आ जाती है आपको कि ये पार्ट कैसे है, तो ये मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है. सो दैट थिंग्स मैटर फॉर मी. सो आई विल डू ऑल दिस चेंज प्रोसेस बाय माई सेल्फ. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट दिस व्लॉग. सो फ्रेंड्स, दीज आर माई न्यू सिरेमिक फ्रंट ब्रेक्स फॉर RR310. दोज आर आई एम गोइंग टू यूज ऑन माई RR310 इन फ्यूचर. सो स्टे ट्यून फॉर दैट व्लॉग. सो फ्रेंड्स, ये अपनी RR310 लग गई है अपनी पैडॉक स्टैंड पे. आगे पैडॉक स्टैंड भी रिमूव करना है क्योंकि RR310 के अंदर जो चेन आती है वो कम्प्लीटली लॉक रहती है, उसको ओपन नहीं कर सकते. सो दैट्स वाई फॉर रिमूविंग एंड इंस्टॉलिंग द न्यू चेन वी हैव टू रिमूव द कम्प्लीट स्विंग आर्म. वीडियो के आगे पता चलेगा आपको. सो दैट्स वाई स्विंग आर्म रिमूव करने के बाद पैडॉक स्टैंड भी रिमूव हो जाएगा ऑब्वियसली. सो बाइक को ऊपर की तरफ रखने के लिए यहाँ पे एक जैक लगाना पड़ेगा. वो जैक आपको इन ब्लॉग के आगे देखने को मिल जाएगा. दैट वन आई परचेज वेरी न्यू वन. सो अभी चेन का प्ले दिखा देता हूँ आपको. सो ये अपना चेन का प्ले, ये देखिए कितना लूज है. अगर आप पॉट होल में जाते हो ये चेन प्ले से तो कॉन्स्टेंट खड़खड़ खड़खड़ ऊपर स्विंग आर्म को चेन लग रही है. वो इतना लूज क्यों रखा है, बिकॉज प्रॉब्लम जो फेस हुआ था मुझे ऑन फिफ्थ सर्विस, जब चेन नॉर्मल टेंशन में टाइट थी तो क्या हो रहा था, जैसे अभी ये टायर है तो अभी यहाँ पे टायर में घुमा देता हूँ 50%, तो चेन का प्ले ऐसे था, इतना नॉर्मल था. मगर और 50% जैसे बाइक का टायर घुमाता हूँ तो इस एरिया में चेन कम्प्लीट टाइट होती, यहाँ से मूव ही नहीं हो रही थी. तो इतना कम्प्लीट टाइट हो रहा था बिकॉज ऑफ दैट आगे के चेन स्प्रॉकेट्स में से कट 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 आवाज़ आ रहा था, जैसे रोटेट हो रहा था वैसे. सो आई डोंट नो ये क्या प्रॉब्लम है विथ RR310. जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में बता दिया, और भी RR310 ओनर जिन्होंने 20K कम्प्लीट किया अपनी बाइक के ऊपर, दे ऑल्सो फेस द सेम प्रॉब्लम. द सॉल्यूशन इज वी हैव टू चेंज कम्प्लीट सेट. आपको मेरा चेन स्प्रॉकेट दिखा देता हूँ. अभी भी चेन स्प्रॉकेट की लाइट बहुत अच्छी है. ये देखिए चेन स्प्रॉकेट, उसके टीथ देख लीजिए आप, स्टिल उसकी लाइफ बहुत बाकी है. बट क्या करें, ड्यू टू दिस प्रॉब्लम ये कंप्लीट सेट चेंज कर दूंगा मैं. अभी ऐसे भी कर सकते हो, आप सिर्फ पीछे का चेन स्प्रॉकेट और ये चेन चेंज कर सकते हो, आगे का स्प्रॉकेट वैसे रख सकते हो. बट नो, आई विल प्रीफर यू ऑल मेक श्योर एक ही अटेम्प्ट में पूरा चेन स्प्रॉकेट चेंज कर लेना. दैट मीन आगे का चेन स्प्रॉकेट, पीछे का चेन स्प्रॉकेट और चेन. सो दोस्तों, फॉर रिमूविंग द चेन एंड चेन स्प्रॉकेट आप लोगों को तो पता ही है, ये पीछे का टायर टोटली कम्प्लीट रिमूव करना पड़ेगा. तो व्हाट आई विल डू, आई विल नॉट शो कैसे पीछे का टायर रिमूव करते हैं. हम लोगों ने ये पीछे का टायर इंस्टॉलेशन के व्लॉग में दिखा दिया था. इफ़ यू गाइस वांट टू चेक इट आउट हाउ वी कैन रिमूव द रियर व्हील ऑन RR310, अभी लिंक आई बटन में आई रहेगी, यहाँ पे चेक कर लेना. और उसके बाद आई हैव टू रिमूव दिस डाउन साइड प्लेट टू माउंट द बाइक ऑन जैक. सो वो भी मैंने मेरे फ्रंट व्हील के चेंज में दिखा दी थी. इफ़ यू गाइस वांट टू चेक इट आउट क्या रहता है, कैसे स्क्रूज रहते हैं, द लिंक विल बी आई बटन नाउ, डू चेक इट आउट. उससे क्या होगा, इस वीडियो की लेंथ ज़्यादा बढ़ेगी और आप लोग भी बोर नहीं हो जाओगे. सो लेट स्टार्ट द प्रोसेस. सो फ्रेंड, बिफोर रिमूविंग द टायर अपना जो चेन स्प्रॉकेट है ये हमको चेंज करना है. सो इसके लिए टोटल ये 1 2 3 4 5 6 स्क्रू रहते हैं यहाँ पे, तो बहुत टाइट रहेंगे अभी. सो व्हाट आई विल रिक्वेस्ट यू, बिफोर रिमूविंग द टायर लाइटली अनस्क्रू देम, तो उतनी ताकत हमको नहीं लगेगी जैसे टायर रिमूव करने के बाद उसको अनस्क्रू करेंगे तब. सो अभी जब बाइक टायर के ऊपर ही है,
तो उसको अभी से अनस्क्रू कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा। वी हैव टू यूज 12 नंबर स्पैनर, सो 12 नंबर स्पैनर है ये, इसको अभी से अनस्क्रू कर लेते हैं। ये अनस्क्रू हो गया, जस्ट स्लाइटली स्लाइटली आपको अनस्क्रू करना है। A few inches later. So friends, आप देख सकते हो अपना टायर तो रिम्यू हो गया है। ये रहा रियर चेन स्प्रॉकेट, उसको चेंज करेंगे और वो रहा अपना टायर। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिमूव दिस स्विंग आर्म। उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे ये प्लास्टिक कवर रिमूव करना पड़ेगा, सेम उस साइड भी है, दोनों साइड के कवर प्लास्टिक रिमूव करने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक रॉड है जो कम्प्लीटली आपके स्विंग आर्म को सपोर्ट देता है, तो रॉड कम्प्लीटली बाहर आ जाएगा। उसके बाद ये आप देख सकते हो शॉकअप सर, यहाँ पे एक स्क्रू है, उसको रिमूव करना पड़ेगा। दैट्स इट, स्विंग आर्म को सपोर्ट के लिए ये एक स्क्रू और ये बीच में का कंप्लीट रॉड, वो रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली अपना स्विंग आर्म रिमूव हो जाएगा बाइक से। सो प्लास्टिक कवर रिमूव करने के लिए एक स्क्रू यहाँ पे है, दूसरा स्क्रू यहाँ पे है, दो स्क्रू है। ये भी प्लास्टिक कवर कैसे रिमूव करना है मैंने बता दिया था, जब मैंने रियर ब्रेक लीवर जो जाम होता है, हाउ टू सॉल्व दैट इशू, जो मैंने शूट किया था इन कुंभलगढ़। अगर आप लोगों ने व्लॉग नहीं देखा रहेगा तो उसकी लिंक अभी आई बटन में आई रहेगी, यू गाइस कैन चेक इट आउट। ये रहा वो रॉड जिसकी मैं बात कर रहा था, उसको हमको रिमूव करना पड़ेगा। सो ये रॉड कम्प्लीटली बाहर की तरफ आ जाएगा। बिफोर दैट वी हैव टू पुट जैक हियर। तो फ्रेंड नाउ लेट्स रिमूव द फ्रंट सॉकेट कवर। इसको रिमूव करने के लिए तीन स्क्रू है, एक दो और तीसरा यहाँ पे है। अरे ये रहा अपना फ्रंट सॉकेट, उसकी भी हालत देख लीजिए बहुत कितनी अच्छी कंडीशन में है वो, बट क्या करें, वी हैव टू चेंज इट। सो फ्रेंड नाउ लेट्स रिमूव द फ्रंट स्मॉल स्प्रॉकेट। उसको ओपन करने के लिए ये बोल्ट रिमूव करना पड़ेगा जो 12 नंबर की स्पैनर से ओपन हो जाएगा। फ्रंट स्प्रॉकेट रिमूव कर लेते हैं अभी 12 नंबर के स्पैनर से। ये उसका नट, जस्ट मेक श्योर वापस लगाते हो ईच एंड एवरी पार्ट, यू शुड लूब इट विद ग्रीस फॉर बेटर लुब्रिकेशन। सो ये रहा अपना फ्रंट स्प्रॉकेट, आप देख सकते हो उसकी हालत। तो फ्रेंड्स ये है मेरा न्यू जैक विच आई ब्रॉट फ्रॉम कलीना बाजार, दैट इज चोर बाजार फ्रॉम कुरला फॉर 200 bucks। इट्स ए हेवी वन, अराउंड 5.5 kilo का है और ये मैक्स लोड लेगा 5 tons। सो इसको अभी यहाँ पे लगा दूंगा। लास्ट वीलॉग में आपने देख लिया था कि मैंने मेरे कार का जैक यूज़ किया था, मगर वो इतना स्टेबल नहीं लग रहा था बिकॉज ऑफ दिस फ्लोर। सो ये एकदम परफेक्ट है और हेवी भी है। सो लेट्स इंस्टॉल दिस वन। सो इसको ऐसे माउंट कर लेते हैं आप ऊपर की तरफ जितना उसका एरिया आएगा, और उसके बाद यहाँ पे कुछ भी रॉड डाल के अब इसको रोटेट कर सकते हो ऐसे ऐसे। लेट मी शो यू। सो ऊपर का एरिया वहाँ पे बैठ गया है। सो फ्रेंड्स ये वो जो रॉड जिसके ऊपर अपना टोटल स्विंग आर्म कनेक्टेड है, तो इसको रिमूव करना है हमको। फॉर रिमूविंग द स्विंग आर्म 22 नंबर के स्पैनर से लूज हो जाएगा ये बोल्ट। ये हो गया है लूज। सो ये ऐसे बोल्ट है ऑफ 22, तो उसको यहाँ से रिमूव करना है और दैट्स इट। अब यहाँ से उसको पुश कर देंगे तो रॉड रिमूव हो जाएगा। बिफोर दैट वी हैव टू रिमूव दिस एलन की फ्रॉम रियर शॉकअप्सर टू। सो फ्रेंड्स ये जो स्क्रू जिसको हमको रिमूव करना है, जो शॉकअप्सर के यहाँ पे कनेक्टेड है, उसको लूज करके ये स्क्रू बाहर आ जाएगा। उसके बाद अपना शॉकअप्सर इजिली रिमूव हो जाएगा। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये यूज हो चुका है, उसको अभी टोटली बाहर रिमूव करना है हमको। डोंट वरी, ये रिमूव करने के बाद अपने शॉकअप्सर को कुछ नहीं होगा, वो एज इट इज उसी पोजीशन में रहेगा। जो शॉकअप्सर को जो सपोर्ट दिया गया है ऑन स्विंग आर्म, वो इस स्क्रू से दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस रॉड को थोड़े थोड़े से पुश करना है, दैट्स इट। अभी वहाँ उस तरफ से बाहर रिमूव कर लेते हैं उसको। सो आप देख सकते हो ये रॉड बाहर आ चुका है, इसको यहाँ पे तरफ पुश कर लेते हैं। सो ये रहा अपना स्विंग आर्म का रॉड। सो फ्रेंड्स जो रियर ब्रेक यूनिट है उसको रिमूव कर लेते हैं। पीछे से एक लॉक में ऐसे ही रखा हुआ है, उसको यहाँ से रिमूव करके बाजू में रख देते हैं बिकॉज वी हैव टू रिमूव द स्विंग आर्म। तो यहाँ पे रख दिया हमने। तो ये हमने शॉकअप्सर का स्क्रू रिमूव कर दिया है। ये अपना स्विंग आर्म बाहर आ चुका है। This all Joel we have to do only
दैट आवर बाइक चेन इज लॉक. अगर ये लॉक नहीं होती थी तो हम इसको इजीली ओपन करके नई चेन डाल सकते थे, बट ओनली द चेन इज लॉक, हमको इतना सब मेहनत करनी पड़ती है. सो फ्रेंड्स, लेट्स ओपन अप दिस रोल ऑन चेन स्प्रॉकेट किट. बॉक्स के अंदर और एक बॉक्स, इसके अंदर क्या क्या है, ये रही अपनी चेन, बाद में चेक कर लेते. ये अपना फ्रंट स्प्रॉकेट और ये रियर स्प्रॉकेट, यू कैन चेक इट आउट, इट्स सेम एज अ स्टॉक. अभी रिमूव करके कंपैरिजन कर लेते हैं. 6 के 6 स्क्रू हम लोगों ने ऑलरेडी लूज कर लिए थे बिफोर रिमूविंग द टायर, तो उसका फ़ायदा हो गया हमको. यहाँ पे ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ रही है. यहाँ पे पीछे की तरफ हमारा 12 नंबर का स्पैनर लग गया है, बिकॉज वी हैव लॉक एंड बोल्ट काइंड ऑफ सिस्टम हियर, तो उसको पीछे पकड़ के रख दिया हमने. अब इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं. आगे नट एंड बोल्ट, जैसे 6 के 6 स्क्रू रिमूव कर लेता हूँ. फ्रेंड्स, 6 के 6 स्क्रू रिमूव हो चुके हैं. अभी इस प्रॉकेट को सॉकेट में से रिमूव करना है. दैट्स इट, एक लाइटली फटके से रिमूव हो गया. लेट्स डू द कंपेरिजन. आप देख सकते हो न्यू स्प्रॉकेट और ओल्ड स्प्रॉकेट. एंगल देखना है आपको, दिस इज द फ्रंट साइड, दिस इज द फ्रंट साइड. यहाँ पे मार्किंग दी गई है, ऐसे बैठ जाएगा. जो स्क्रू है उसको लगाने का काम चालू कर लेते हैं. सो फ्रेंड्स, ये रहा अपना न्यू फ्रंट चेन स्प्रॉकेट, इसको अभी इंस्टॉल कर लेते हैं. Let's do the comparison. So friends, you can see the 17 numbers here. Hope you can see. So same 17 number yahan pe bhi diya hua hai. This is the front side. It's exactly the same material as a stock. Same roll-on ki chain sprocket TVS use karta hai on RR310. So no loss here. Only we have benefit of 50%. For that, let's clean this area. Let's lube it. Now, ये front sprocket का area clean हो चुका है. Let's install the new sprocket. ये लग गया. Let first lube this screw with grease. Let install this screw. Slightly tight करते, full tight नहीं करते. जैसे हम लोग rear स्विंग आर्म कनेक्ट करेंगे तो बाइक थोड़ी स्टेबल हो जाए, उसके बाद उसको फुल टाइट कर लूँगा. सो ये लग चुका है. सो हमारा हो गया यहाँ पे फ्रंट स्प्रॉकेट और रियर स्प्रॉकेट इंस्टॉल. सो नाउ लेट्स इंस्टॉल द न्यू चेन. सो ये रही अपनी न्यू चेन, आप देख सकते हो. ये न्यू चेन टोटली लूब है विथ लुब्रिकेंट, आपको एक्स्ट्रा लूब डालने की ज़रूरत नहीं. ये जॉइंट देख लीजिए आप, इसके अंदर कैसे लूब की हुई है, जस्ट लाइक अ फैक्ट्री सील. एक्स रिंग के आप लॉक देख सकते हो, परफेक्ट लूबिंग की है चेन की ईच एंड एवरी एरिया में. सो कंप्लीट चेन है वो लूब है. ये हमारी न्यू चेन, आप देख सकते हो ये कम्प्लीटली लॉक है. यहाँ पे कहीं पे भी ओपन लॉक सिस्टम नहीं है, तो कम्प्लीटली लॉक चेन है. लेट्स स्टार्ट द इंस्टॉलेशन. इसको डाल देते हैं इसके अंदर. A few inches later. So friends, अपना चेन स्प्रॉकेट तो वापस लग गया है. ये रॉड भी यहाँ पे लग दिया है, वहाँ पे जाके बोल्ट टाइट कर लेते हैं. अभी और शॉक ऑब्जर्वर की एलन की है, उसको टाइट कर लेते हैं. न्यू चेन अभी स्विंग आर्म में लग गई है. सो वहाँ से रॉड इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे आ गया. सो ये वाइसर पहले डाल देते हैं अंदर, और देन अपना ये 22 नंबर का बोल्ट. तो फ्रेंड देख सकते हो न्यू चेन स्प्रॉकेट में न्यू चेन लग चुकी है, बस अभी पीछे व्हील लगाने का बाकी है. दैट्स इट, जैसे व्हील लग जाता है वैसे ही और एक बार चेन स्प्रॉकेट का नट को टाइट कर लूँगा. सो फ्रेंड्स, नाउ लेट पुट दिस व्हील बैक. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट आवर न्यू चेन इन चेन स्प्रॉकेट केयरफुली. फ्रेंड्स, यू कैन सी द चेन परफेक्टली बैठ गई अपनी पॉकेट में. अब व्हील अरेंज करना है. सो
फ्रेंड अपना पीछे का टायर बैठ चुका है, यू कैन सी इट्स टाइम टू टाइटन द टायर बोल्ट। सो फ्रेंड्स फाइनली अपनी चेन, न्यू चेन स्प्रॉकेट और आगे का चेन स्प्रॉकेट लग गया है, उसके कवर्स भी लगा दिए हमने, ऊपर का कवर भी लगा दिया, ये कवर भी लगा दूंगा। आई जस्ट केप इट ओपन फॉर शोइंग यू गाइस द न्यू चेन। चेन प्ले परफेक्ट, सो अभी ऊपर के कवर लगा दूंगा, नीचे की प्लेट लगा दूंगा, दैट्स इट। फिर एक टेस्ट ड्राइव ले लूंगा और देख लूंगा हाउ बाइक परफॉर्म्स। सो फ्रेंड्स अपना चेन स्प्रॉकेट किट इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, ये देख लीजिए आगे की जाली लग चुकी है, नीचे की प्लेट लग चुकी है, साइड गार्ड्स लग चुके हैं। तो अभी क्या करता हूँ, बाइक लेके जाता हूँ, एक टेस्ट राइड लेके देख लेता हूँ उसका प्ले कैसा है। A few moments later. So friends, finally, these dirty hands is everything. So finally, अपना चेन स्प्रॉकेट किट इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हो चुका है, टेस्ट राइड भी करके देख ली, परफेक्ट है चेन का प्ले। उल्टा अभी मुझे थोड़ा टॉर्क ज्यादा लग रहा है, पावर ज्यादा लग रही है इन स्मॉलर एक्सेलेरेशन बिकॉज द न्यू चेन। फ्रेंड्स दैट्स इट इनफ फॉर दिस व्लॉग। इफ एनी हाउ आप लोग के व्लॉग अच्छा लगा रहा है तो आप लोगों को तो ड्रिल पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट डू एवरीथिंग। इफ यू एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस इंस्टॉलेशन पार्ट डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। सो दिस इज सागर साइनिंग ऑफ अंटिल द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय, ऑलवेज योर हेलमेट, राइड एट राइड सेफ, सी या।